नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के अंजान शहीद ग्राम रथुपुर में कारगिल शहीद राम समुद्र यादव की शहादत दिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद मेले का आयोजन किया गया है। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए उनके छोटे भाई प्रमोद यादव ने बताया कि 30 अगस्त दिन बुधवार आज दिन में एक शहीद मेले का आयोजन किया गया है। वह हमारे बड़े भाई थे कारगिल शहीद राम समुद्र यादव, जो 30 अगस्त 1999 को शहीद हो गए। उनकी याद में प्रतिवर्ष शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद मेले का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजय कुमार जी राइफलमैन, जो दूसरे परमवीर चक्र विजेता हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में कारगिल युद्ध के हीरो बालचंद नायक जी, जिनका दोनों पैर युद्ध में कट गया था, उनका भी आगमन हो रहा है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम व कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया है। हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम पूर्वांचल के 6 जिलों से शहीद परिवार आ रहा है, उनका सम्मान किया जाएगा। हम देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि वह शहीद मेले में आएं और शहीद परिवार का सम्मान करें, कार्यक्रम को सफल बनाएं। न्यूज 9 भारत के लिए। क्या नाम है? प्रमोद यादव। मैं कारगिल शहीद राम समुद्र यादव का छोटा भाई हूँ। आज किस उद्देश्य में आपने प्रेस वार्ता बुलाई? देखिए, कल 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को एक शहीद मेले का आयोजन है। हमारे बड़े भाई थे जो कारगिल में शहीद हो गए 30 अगस्त 1999 में, तभी से प्रतिवर्ष हम लोग उनकी याद में एक 30 अगस्त को शहीद मेले का आयोजन करते हैं। प्रतिवर्ष के बाद इस वर्ष भी शहीद मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री संजय कुमार जी, जो कि परमवीर चक्र विजेता, दूसरे जीवित परमवीर चक्र विजेता हैं। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे कारगिल युद्ध के हीरो रहे दीप चंद नायक, जिनका दोनों पैर कारगिल की लड़ाई में कट गया था, वो भी आ रहे हैं। उनके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और उसके साथ साथ कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा होगा, पूर्वांचल के 6 जिलों के करीब शहीद परिवार आ रहे हैं, जिनको हमारे मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और मैं सभी देशवासी, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप कल दिन में शहीद मेला में आके और शहीद को सम्मान करके, शहीद परिवार को सम्मान करके आप शहीद मेला को सफल बनाएं। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।